सामने एक दिलचस्प बिल्डिंग ये बनी हुई है और हम इस पे चलते हैं। आइए इस पार हो जाएं और इसको भी देख लेते हैं कि क्या है ये। हाँ, और हमारे जो दोस्त हैं उनको अब चलते चलते बेचारे थक गए हैं और शायद ये बंद हो गया है, शाम हो गई है, तो हम बाहर से आपको दिखा देते हैं। इधर प्रसाधन बना हुआ है और शायद टाइम की वजह से इसमें ताला लग गया है, लेकिन हम दिखाते हैं। ये है कच्ची कुटी जो आपको दिख रही है वीडियो में, ये कच्ची कुटी है और शायद टाइम की वजह से 6 बजे स्मारक को बंद कर दिया जाता है और हम पहुँचे हैं 6:15 बजे। तो पहले आपको कच्ची कुटी का इतिहास बता दें। कच्ची कुटी महेट में स्थित यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्खनित अवशेष है जिसको चीनी यात्रियों फाहियान तथा हेनसांग द्वारा उल्लिखित सुदत्त अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित स्पूतों से समीकृत किया गया है। इसका कच्ची कुटी नाम एक साधु द्वारा इसके ऊपर कच्ची ईंटों से एक देवालय के निर्माण के कारण पड़ा। ये उत्खनित अवशेष 2वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य हुए विभिन्न कालों के निर्माण को दर्शाते हैं। इस संरचना के विभिन्न स्तर इसकी भू योजना को अत्यधिक द्रूढ़ बनाते हैं जिससे इसका अभियान कठिन हो गया है। यहाँ से प्राप्त अनेक पुराशेषों तथा उत्खनित अवशेषों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कुशाण कालीन स्पूत पर गुप्त काल में एक देवालय का निर्माण हुआ। यहाँ से एक रास्ता इसे नौसहरा तथा कानभारी द्वारों से जोड़ता है। तो इस तरीके से देखा आपने क्या लिखा है इसके अंदर, इसके बारे में बताया गया है। फिलहाल गेट पे ताला लगा है, समय 6:15 बज गए हैं। हम आपको बाहर से दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग है। और आप देखिए, हम जूम करके दिखा दे रहे हैं। इस पे चढ़ने में बहुत मज़ा आता है, पहले भी मैं चढ़ चुका हूँ। और तो इस तरीके से चढ़ने का मौका नहीं मिला और ये कुछ पर्यटक भी हमारी तरह से निराश हो गए हैं। और लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सारी चीज़ें सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दी गई हैं इस टाइम और यहाँ पे शौचालय की सुविधा आपको मिलती है और दिन में बहुत सारी चीज़ें बिकती भी यहाँ हैं। अगर आप आते हैं कभी तो तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी यहाँ। और इस तरीके से अब हम यहाँ से अपनी यात्रा ख़त्म करके और चलेंगे, जो कि शाम हो गई है। अब कैमरे में साफ से दिखाई भी नहीं देगा।